क्या हमने गेहूं की रोटी और चावल बंद करके सिर्फ मिलेट्स की रोटी खानी चाहिए? तो जी नहीं, आयुर्वेद ऐसे हमें रिकमेंड नहीं कर रहा है। अब आयुर्वेद में देश साथ में बताया हुआ है, यानी आप जिस देश में जिस प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पे उगने वाला जो अनाज है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, वो हमारे लिए साथ में है यानी अनुकूल है। तो जो लोग नॉर्थ में रहते हैं तो उनके लिए गेहूँ की रोटी बहुत अच्छी है, जो लोग साउथ में है उनको चावल बहुत अच्छा है। या फिर आपके परिवार में जो अनाज खाया जाता है, आपने पहले से जो खाया है, जो आपके टीम के लिए एक तरह से सूटेबल है, वो सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो वो सुबह गेहूं की रोटी ले सकते हैं, शाम को मिलेट्स ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ मिलेट्स का ही उन्होंने सेवन करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एक अनाज की अपनी स्पेशलिटी, अपनी विशेषता है। तो इन सबका सेवन हमने करना चाहिए और साथ ही में हमें कौन सी चीज़ कितनी सूटेबल है ये भी ज़रूर सोचना चाहिए।